राजस्थान एसीबी ने देर रात को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में कार्रवाई करते हुए रिश्वत के बदले अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी देने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को लेनदेन करते समय रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी ने मौके से 70,000 रुपए और 3 फर्जी एनओसी पत्र बरामद किए। एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि इस संबंध में एसएमएस अस्पताल के उच्च प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में सवाई मानसिंह अस्पताल के आला अधिकारियों ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, एसएमएस अस्पताल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। बिल्कुल श्वेता, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कोऑर्डिनेटर है वो अनिल जोशी हैं और वो ईएचसीसी अस्पताल के हैं, और जो दूसरा कर्मचारी है वो एएओ है, वो सवाई मानसिंह अस्पताल का है। एक बड़ी कार्रवाई हम इसको यहाँ पर मान सकते हैं। रात करीब 1:30 बजे इस कार्रवाई को एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से अंजाम दिया गया है, जिसमें आरोपियों के कब्जे से 70,000 रुपए जो रिश्वत की राशि थी वो न सिर्फ बरामद की गई है, बल्कि इसके साथ साथ में जो फर्जी एनओसी दी जा रही थी वह 3 एनओसी भी यहां पर बरामद की गई है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी जो है गौरव सिंह और दूसरा जो कर्मचारी है वो ईएचसीसी अस्पताल जो है इंटरनल अस्पताल जवाहर सर्किल पर वो स्थित है और निजी अस्पताल है, वो वहां का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर था अनिल जोशी, और दूसरा जो आपने बिल्कुल सही कहा गौरव सिंह, ये एसएमएस का ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी है। इसमें होता क्या है श्वेता कि जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनको अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण करना है, लीवर किडनी हार्ट, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि अंगदान महादान कहा जाता है और अंगदान के प्रति लगातार सरकारें और निजी जो संगठन है वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, फिर भी अंगदान उतना नहीं हो पा रहा। बहरहाल इन लोगों को, निजी अस्पतालों को, वहां पर एक एनओसी लेनी पड़ती है, जो सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की ओर से जब एनओसी मिलती है तभी वहां पर वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर पाते हैं। लेकिन कमेटी को तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि एसएमएस अस्पताल से बिना कमेटी की मीटिंग हुए, बिना कमेटी के पदाधिकारियों को, सदस्यों को ये बात पता चले हुए कि कौन से अस्पताल को कब क्यों और कैसे एनओसी दी जा रही है। ये गौरव सिंह जो है ये अपने स्तर पर ही फर्जी हस्ताक्षर करता था, जो कमेटी के सदस्य थे जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने का अधिकार सरकार की तरफ से मिला हुआ है, उनके फर्जी हस्ताक्षर करके बीते कई महीनों से कितनी ही एनओसी गैर कानूनी तरीके से, फर्जी तरीके से गौरव सिंह जारी कर चुका था। और इसकी शिकायत भी एसएमएस अस्पताल का जो प्रबंधन है, जो आला अधिकारी है सवाई मानसिंह अस्पताल के, उनकी तरफ से ही एसीबी में ये शिकायत की गई थी कि अस्पताल में इस तरह का गड़बड़झाला चल रहा है, जिसके बाद में एसीबी ने यहाँ पर ट्रैप लगाया और इसमें ये जो दोनों आरोपी हैं इनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। श्वेता जी, सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।